नमस्कार, विभ दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, विफलता छिपाने के लिए हुई नोटबंदी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने 2.5 वर्ष के दौरान मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और कई इंडिया शुरू किए हैं जो असफल रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार 2.5 साल की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए नोटबंदी लेकर आई है। अब कांग्रेसी शासन के साथ ही अच्छे दिन आएंगे। गांधी ने केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यहां पार्टी के जन वेदना सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि मोदी सरकार 2.5 साल के शासन में पूरी तरह से असफल रही है। गांधी ने कहा कि नोटबंदी से मोदी ने लोगों की खून पसीने की कमाई को एक क्षण में कागज में बदल दिया, लोगों की ताकत तथा स्वाभिमान छीन लिया, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी गई, देश में वाहन बिक्री आंकड़ा 16 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के कांग्रेस शासन के 70 साल जुमला का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के शासन में वह सब किया है जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया था। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा खत्म की है। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ के दबाव में सरकार नोटबंदी लेकर आई है, इससे दुनिया में भारत की स्थिति कमजोर हुई है। शहर का मजदूर गांव भाग रहा है, किसान भारी मंदी की चपेट में है, प्रधानमंत्री को इन सबका जवाब और हिसाब देना होगा। इसी कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के फैसले को अर्थव्यवस्था के लिए घातक करार देते हुए चेतावनी दी कि इसके पूरे दुष्परिणाम अभी सामने नहीं आए हैं और इसके कारण सकल घरेलू उत्पाद की दर 6.6% तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी लगातार कह रहे हैं कि नोटबंदी के जरिए वह आर्थिक सुधार लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे सामने इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए हैं, लेकिन घातक परिणाम आने अभी बाकी। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा कि अगर उन्हें वाकई गरीबों की चिंता होती तो वह लोगों को नोटबंदी के कारण परेशानी में छोड़कर छुट्टी मनाने नहीं जाते। उन्होंने कहा कि गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के घातक परिणाम अभी सामने आएंगे। नोटबंदी के बाद झटका, विश्व बैंक ने घटाया भारत का वृद्धि दर का अनुमान। मुलायम सिंह यादव ने कहा सीबीआई के डर से सपा को तोड़ रहे हैं राम गोपाल। अफगानिस्तान के कंधार में बम विस्फोट, 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की मौत। अमेरिका के कैलिफोर्निया और नवादा में बाढ़ जैसी स्थिति। यूट्यूब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।